देखिए एक बात बोलूं, आपको अगर सच में स्मार्टफोन खरीदना है इस सेल में बहुत जरूरी है तो ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं ना कि आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता 10-15 मिनट के 20 मिनट के वीडियो दिखाकर। मैं कह रहा हूं कि अक्टूबर एंड में इससे अच्छे सेल आने वाले हैं बिग बिलियन के, तो अगर आप अक्टूबर एंड तक वेट कर सकते हो वेट कीजिए, अदरवाइज अगर आपको वीडियो देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका इतना टाइम वेस्ट हो इस चीज के लिए। सारी चीजें देख के बाद में आपको कितने अच्छे ऑफर्स नहीं थे, क्योंकि ऑफर्स ठीक ठाक है मतलब बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए मैं बता दूं कि अगर आपको देखना है अभी लेना है तो ही देखिए, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो बिग बिलियन डे सेल का जो कि अक्टूबर में आने वाला है। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निकल सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सॉरी हाँ, फ्लिपकार्ट का बिग सेलिंग डे सेल चालू होने वाला है 18th of September से 20th of September तक चलेगा। 28 नहीं, बहुत सारे लोग मैं 20th या 30th बोलता हूँ, तो 28 और 38 सुना देता हूँ, 20th, 20th। चलिए कोई बात नहीं, प्री बुकिंग कर सकते हो ₹1 में, लेकिन स्मार्टफोन्स पे नहीं कर सकते, याद है मैंने बताया था प्री बुकिंग कर सकते हो, वो स्मार्टफोन्स पे नहीं होगा, बाकी सारी चीजों के ऊपर है, वो फ्लिपकार्ट पे जाके देख लीजिए किन चीजों के ऊपर है। एंड देन उसके साथ साथ आपको 15th and 16th को प्री बुकिंग कर सकते हो, फिर 17th से शाम से 6 बजे जो फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर्स हैं उनके लिए सेल चालू हो जाएगा, और 18 तारीख से नॉर्मल लोगों के लिए सेल चालू हो जाएगा। SBI का क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप उस पर EMI लेते हो या डायरेक्ट भी बाय करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरे हिसाब से 1000 तक का डिस्काउंट है, अभी कहीं पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैक्स डिस्काउंट 1000 का ही रहेगा। जो मैंने बिग बिलियन डे सेल वाला कहा था उसमें 2000 तक का डिस्काउंट आता है, उसमें मिनिमम 5000 का आपको परचेज करना पड़ेगा। एंड 20 स्मार्टफोन कौन से हैं जो इस सेल में आप देख सकते हो, आप मेरे हिसाब से ठीक ठाक हैं उनकी तरफ आप देख सकते हो। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, मैं आंसर देता हूँ। तो अगर आपको और कोई क्वेरी है कुछ भी इंस्टेंट पूछना है तो आप आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वहां पे उनसे चैट कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि मिस ना दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में बाकी स्मार्टफोन से पहले मैं बता दूं कि Redmi Note सीरीज जो है Note 9, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max या फिर Redmi 9 सीरीज जो है, ठीक है, Redmi 9 Prime, Redmi 9, Redmi 9A, फिर बाकी जितने भी वो Samsung वाले फोन्स हैं, Samsung N सीरीज के और Samsung A सीरीज के, ये सब नॉर्मली Flipkart पे नहीं Amazon पे मिलते हैं। तो वीडियो खत्म होने के बाद ये मत पूछना कि इनके ऊपर ऑफर क्यों नहीं बताया आपने, ये Amazon वाले फोन है एंड Flipkart पे ऑफर आ रहा है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मैंने नीचे लिख के रखा है, मैं फटाफट बताते रहूंगा आपको, ठीक है। एंड साइड में इस साइड इस साइड के भी माइक्रो साइड आते रहेंगे, तो जो ऑफर होंगे ना, जो प्राइस आपको लास्ट प्राइस दिखेगी उसमें 1000 और माइनस कर देना कार्ड वाला, ठीक है। तो आईफोन SE 36,000 में आ रहा है, लेकिन अगर आप कार्ड लगाओगे तो आपको 35,000 में मिल जाएगा। अच्छा फोन है, आईफोन लेना चाहते हो 35,000 का प्राइस है, नया फोन है, पुराने वाले आईफोन 7, 8 से तो बेटर ही है, देखना चाहते हो उसकी तरफ देख सकते हो। Realme 6 है, 6GB 64GB 14,000 का आ रहा है, कार्ड लगाओगे 13,000 में मिल जाएगा। 4GB 64GB वाले का नहीं दिया प्राइस, मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर ऑफर है कि नहीं, पॉसिबली हो, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई ऑफर दिया नहीं है, आई विश की हो तो 12,000 में मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से अच्छा फोन होगा वो भी अगर होता है तो। ओप्पो रेनो के, ओप्पो के बहुत सारे फोन है, वीवो एस सीरीज, वीवो वी सीरीज, वो सब छोड़ देना, बहुत सारे हैं ऑफर्स, देखना चाहते हो आप देख सकते हो, मैं सजेस्ट नहीं करता उन सब फोन को, एंड मुझे अच्छे नहीं लगते, लिटरली कह रहा हूँ, चिपसेट अपने प्राइस के हिसाब से सही नहीं देते, जो कि बाद में हैंग होना चालू हो जाता है। आईफोन XR 45,000 का आ रहा है, कार्ड लगाओगे 1000 का ऑफ हो जाएगा, 44,000 में मिल जाएगा, अच्छा है देख सकते हो आईफोन अगर लेना चाहते हो तो। मैं कहता हूँ कि अगर आईफोन SE ले रहे हो तो अगर 10,000 और लगा सकते हो तो इसको ले लो, अच्छा फोन है ये, आईफोन SE से तो बेटर है। Redmi K20 Pro 23,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओगे 1000 का ऑफ हो जाएगा, ₹22,000 में मिल जाएगा, देखना चाहते हो उसकी तरफ देख सकते हो। अपडेट का थोड़ा सा है, कल वाली वीडियोज में आया था टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 25,000 वाले में, जाके देख लीजिए। Redmi K20 ये भी 22,000 में आ रहा है, आपको 20,000 दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये 22,000 का है, उस पर 2,000 का एक्सचेंज ऑफर है, देखो साइड में स्टार है ना अमाउंट के साइड में, हाँ तो अगर एक्सचेंज करोगे तो 20,000 में मिलेगा, एंड 1,000 का कार्ड का ऑफ लगाओगे तो 19,000 तक भी मिल सकता है इफेक्टिवली, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। iQOO 3 35,000 में आ रहा है, ₹3,000 का इसके ऊपर प्रीपेड या एक्सचेंज का ऑफर है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, या प्रीपेड या एक्सचेंज, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, तो प्रीपेड करते हो तो भी 3,000 ऑफ हो जाएगा, एक्सचेंज करते हो तो भी एक्स्ट्रा 3,000 ऑफ मिलेगा, और 1,000 SBI के कार्ड का है
तो उसको भी लगा लो तो 4,000 के आसपास ऑफ मिल रहा है, यानी 31,000 तक आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी डील है। नेक्स्ट वन LG G8X, सबसे चीपेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन है ये। फोल्डेबल नहीं, एक्चुअली दो डिस्प्लेज है, दो स्मार्टफोन समझ लो साइड बाई साइड रखे हुए वैसे टाइप का है, लेकिन अच्छा 855 चिपसेट है एंड एमोलेड का पैनल है, जियोलेड अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, कैमरास भी डिसेंट है, LG की कैमरा डिसेंट होती हैं। देखना चाहते हो देख सकते हो, 55,000 का मिल रहा है, लेकिन अगर कार्ड लगाओगे तो 15,000 प्रीपेड का ऑफ हो जाएगा, और SBI कार्ड लगाओगे तो 16,000 ऑफ हो जाएगा, यानी आपको 39,000 तक मिल सकता है, अच्छी डील है, देख सकते हो। 39,000 में कहूंगा अच्छी है LG का स्मार्टफोन, देखना चाहते हो इसी तरफ देख सकते हो। रियलमी 6 6GB 64GB 15,000 का रहा है, कार्ड लगाओगे 14,000 में मिल जाएगा, इससे बेटर रियलमी 6 है मुझे लगा। पोको X2 ज्यादा बेटर लगा मुझे, 17,500 में है, कार्ड लगाओगे 1,000 का ऑफ हो जाएगा, 16,500 में मिल जाएगा, डील अच्छी है। पोको M2 प्रो 13,000 में मिल रहा है, 14,000 का 1,000 कार्ड का ऑफ, 13,000 में आ रहा है, अच्छी डील है। और ये तो ओपन सेल में, ऐसा भी नहीं कि आपको फ्लैश सेल का वेट करना पड़े, अच्छा है, देख सकते हो इसकी तरफ। इन्फिनिक्स हॉट 9 और हॉट 9 प्रो दोनों 9,500 10,500 के हैं, और दोनों पे 950 और 1,000 के आसपास ऑफ हो जाएगा, देखना चाहते हो उनकी तरफ भी देख सकते हो। रियलमी 6 प्रो 18,000 का आ रहा है, 1,000 का ऑफ आएगा कार्ड पे, 17,000 में आपको मिल सकता है दोस्तों। आईटेल विजन 1 7,000 का है, कार्ड लगाओगे 700 रुपये ऑफ हो जाएगा, 6,300 तक अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो इसकी तरफ आप देख सकते हो। आईटेल ब्रांड जो है ये इन्फिनिक्स का ही ब्रांड है, ठीक है, ट्रांजिशन होल्डिंग के अंदर तीनों आते हैं, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल, देख सकते हो। मी 10 अगर आपको फ्लैगशिप चाहिए शाउमी का, 8GB 256GB वाला 55,000 का आ रहा है, उस पर 2,000 का प्रीपेड का ऑफ है, 3,000 का एक्सचेंज का ऑफ है, यानी इस पे दोनों ऑफर्स मिल सकते हैं, अगर आप एक्सचेंज करते हो 3,000 और प्रीपेड करते हो 2,000, और प्लस 1,000 कार्ड का ऑफ है, यानी ये 49,000 तक आ सकता है, अच्छा है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, सुपर एमोलेड का कर्व्ड डिस्प्ले है, 865 चिपसेट है, 5G वाला अच्छा फोन है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। रियलमी X2 प्रो 6GB 64GB 30,000 में आ रहा है, कार्ड पे 4,000 का एक्सचेंज है, 1,000 कार्ड का लगाओगे, सॉरी 4,000 का एक्सचेंज है और 1,000 का कार्ड लगाओगे, तो मैं कार्ड पे एक्सचेंज बोल दिया मैंने, तो 25,000 तक इफेक्टिवली आ जाएगा, और आपके स्मार्टफोन का जो प्राइस होगा वो भी माइनस होगा, तो अच्छी डील है, देख सकते हो, अच्छा स्मार्टफोन है। रियलमी X काफी पुराना है, 18,000 में आ रहा है, 2,000 प्रीपेड का ऑफ है, 1,000 आपको कार्ड का ऑफ है, 15,000 मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज 18,000 तो देखने लायक नहीं है। 710 का चिपसेट है, काफी पुराना है, मत लेना, अपडेट भी शायद नहीं आए उतने, अब एक साल डेढ़ साल के ऊपर हो गया इसको। रियलमी X 50 प्रो 5G अच्छा है ये, 42,000 का है, और प्रीपेड और एक्सचेंज पे 3,000 का ऑफ है, यानी 3,000 ही मिलेगा, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, और 1,000 कार्ड का ऑफ है, 38,000 में 5G फोन, मेरे हिसाब से 865 के साथ सबसे चीपेस्ट 5G फोन ये है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आईकू में 5G नहीं है, आईकू 42,000 वाले में 5G है। रियलमी X3 25,000 में आ रहा है, कार्ड लगाओ 1,000 ऑफ हो जाएगा, 24,000 में स्नैपड्रैगन 855 प्लस, चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला चिपसेट है स्मार्टफोन है, देख सकते हो। रियलमी X3 सुपर जूम 28,000 का है, कार्ड लगाओगे 27,000 में मिल जाएगा, कैमरास बहुत धमाकेदार है इसके, देख सकते हो इसकी तरफ। हो गया भी स्मार्टफोन, जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर से कह दे रहा हूं कि अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो सेल का, जो कि अक्टूबर एंड में आने वाला है, दिवाली से पहले वाला बिग बिलियन डे सेल, उसमें काफी अच्छे ऑफर्स होंगे, उसमें कार्ड पे 2,000 रुपए तक ऑफ होता है, तो उसका वेट कर सकते हो। और उसमें साथ साथ सैमसंग में बार बार क्यों बोलता हूँ, अमेजोन के बदले मैं सैमसंग बोल देता हूँ, सैमसंग के बदले अमेजोन बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, तो अमेजोन वाला सेल भी उस टाइम आएगा, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाला, तो दोनों पे बहुत सारे ऑफर्स होंगे उस टाइम का वेट कर लो आप लोग, मैं कहूंगा लिटरली बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, तो अभी ले लो, 1,000 का ऑफ ले सकते हो, SBI क्रेडिट कार्ड है तो, अदरवाइज वेट कर सकते हो ना, तो 1-1.5 महीने आप लोग वेट करो, मैं कहूंगा लिटरली। चलिए कोई बात नहीं, कैसा लगा वीडियो, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, और नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना, क्योंकि पसंद आया साइड में देखो रेक्टेंगल पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझे चैट करना है तो चैट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।